हेलो, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और मेरी दिल से यही दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा अच्छा रखें और आप भी अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल करते रहें, आमीन। फ्रेंड्स, मैं रात का टाइम है और मैं वीडियो बनाने लगा हूँ और मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूँ। दरअसल बात यह है कि पाकिस्तान में ना, मुझे नहीं पता था कि पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है, पर अब पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है। पाकिस्तान में बिल्कुल बिल्कुल सेम नोटों जैसे नोट बन रहे हैं और वो नोट बिल्कुल नकली होते हैं, और ये आपको तब पता लगता है जब आपको कोई पक्का कर देता है कि हाँ, ये नकली नोट है। फ्रेंड्स, ये मुझे बात कैसे पता लगी मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, मेरे घर वालों ने ना कहीं से लिए 5,000 का चेंज लिया। तो उन्होंने ना कहीं जाना था बाहर ना, कहीं काम से, तो वो मुझे ना पीछे 2,000 रुपया खर्चे के लिए देके गए कि तुम ये 2,000 रुपया रख लो ताकि तुम हमारे पीछे से ना यूज़ कर सको, अगर तुमने कुछ खाना हो या पीना हो ना तो तुम ये ना इस ना इन पैसों से ले आना और खा लेना। फ्रेंड, सुबह सुबह का टाइम था तो ना मैंने अपनी बुक में ना वो पैसे रख दिए, तो ना मैंने उस बुक से 1,000 का नोट निकाला और मैंने सुबह सुबह नान चने खा लेता हूँ, तो वो नान चने वाला था ना, उस शुक्र अल्लाह पाक का, वो मुझे ना बड़ी देर पहले से जानता था क्योंकि मैं उससे बहुत देर से सौदा ले रहा था, बहुत दफ़ा उससे नान चने लिए, बहुत दफ़ा उससे रोटियाँ खरीदी, बहुत दफ़ा ना उससे मैंने ना चने खरीदे थे। तो फ्रेंड्स, मैं उसके पास गया तो उसने मुझे कहा कि ये लो ना, मैंने उससे कहा 50 के चने दे दो और ना मुझे तुम 2 खमीरी रोटियां दे दो। उसने कहा ठीक है। मैंने कहा खमीरी रोटियां छांट के लगाना। उसने कहा अच्छा ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैंने ना उसने जब उतने चने भी दे दिए और रोटियां भी लगा के दे दी ना, तो मैं उसको पैसे मैंने ना अपनी जेब से ना उसको 1,000 का नोट निकाल के दिया। तो जब मैंने उसको 1,000 का नोट निकाल के दिया ना, तो उसने मेरा 1,000 का नोट लिया हाथ में पकड़ा और उसने ना चेक किया, तो उसने कहा अरसलान, ये जो तुम्हारा 1,000 का नोट है ना, ये नकली है। मैंने कहा ऐसे मुझसे मजाक कर रहा है, कहाँ नकली होगा, मेरे पास कहाँ नकली नोट होते हैं। तो मैंने कहा नहीं, तुम देखो तो सही, ऐसे मजाक तो ना करो, नकली कैसे हो सकता है, मेरे पास नकली कहाँ से आना है। तो उसने कहा वाकई में नकली है। मैंने जब पकड़ा हाथ में तो मैंने कहा हाँ, ये तो वाकई में ही नकली नोट है, पर मैंने कहा देखने से लगता नहीं है, बिल्कुल सेम 1,000 के नोट की तरह का था, पर वो अगर गौर से देखें ना, गौर से अगर उस नोट को देखें तो उसका जो पेपर होता है और उसके ऊपर जो कलर हुआ होता है वो बहुत डार्क सा नीला ना, बहुत डार्क नीला जो नहीं होता, बहुत डार्क नीला था। तो मैं फिर ले गया, मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें ना फिर पैसे बाद में दे दूँगा। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, तो मुझे पैसे बाद में दे देना। मैं फिर वही 1,000 रुपये का नोट लेके घर आया। फिर मैंने अपने घर वालों को कॉल की, मैंने कहा वो जो आप मुझे पैसे दे के गए थे वो तो नकली निकला है 1,000 का नोट। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम ऐसे नहीं हो सकता, तुम किसी और दुकान वाले से पूछो, हो सकता है नानचनों वाले को नकली लगा हो, ऐसे ही मुगालता लगा हो। तो मैं ना फिर मैंने कहा अच्छा चलो मैं किसी और दुकान वाले से पूछता हूँ। तो ना मैंने फिर इस तरह किया, मैं घर से निकला और मैंने ना एक बिस्किट वाले की दुकान पे गया, मैंने एक डब्बा खरीदा बिस्किट का ना, गाला का। जब मैंने गाला का बिस्किट का डब्बा खरीदा, पर मैंने उसको शो नहीं किया कि मुझे पता है कि नोट पहले से ऑलरेडी नकली है, मैं ना उसके कमेंट्स सुनना चाहता था कि ये वाकई में नोट नकली है कि नहीं है। तो उसने मेरा 1,000 रुपये का नोट अपने हाथ में पकड़ा और उसने चेक किया, और ना उसने ना मेरे फेस की तरफ देखा, मैं फिर इधर दाएं बाएं देख रहा था ना, तो उसने फिर मैंने उसको ऐसे शो किया कि मुझे जैसे नहीं पता, तो वो तो गर्म हो गया, इतना गुस्से में आ गया, वो कहता अच्छा भाई ये अच्छा तरीका है किसी को पागल बनाने का। मैं उससे क्या कहता, मैं वहाँ से बहस भी नहीं उससे कर सकता था, जाहिर बात है वो 1,000 का नोट हमने कहीं से चेंज लिया था और जहाँ से हमने चेंज लिया था वो मैंने भी नहीं लिया था किसी से, मेरी अम्मी के आईज़ में ना बेसिकली मोतियाँ हैं, तो उनको नहीं पता लगता तो नोट का असली है कि नकली है, उन्होंने चेंज लिया, उसने चेंज दिया और मेरी अम्मी ना चेंज लेके घर आ गई। तो ना
तो फिर चेंज जो था वो फिर मैंने उससे कहा अंकल क्या हो गया अंकल, नकली नोट है? अच्छा ठीक है, फिर हम वापस कर दें। फिर कहता कि ना, मैंने उसको यही बताया कि ना ये नोट जो है ना, मुझे नहीं पता था कि असली है कि नकली है, और आई स्वे मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वो नोट असली है कि नकली है। वो तो मुझे तब पता लगा जब मुझे चने वाले नान चने वाले ने बताया कि तुम्हारा जो नोट है ना वो नकली है। तो फिर उसने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा अंकल ये नोट मेरी अम्मी तो बहरिया और चट गई हैं। नहीं, उसने मुझे कहा बिस्किट वाले ने कहा जाओ अपने किसी बड़े घर वाले को बुलाओ ना। तो मैंने कहा मेरी अम्मी तो गई हुई हैं बहरिया और चट। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है, जब वो बहरिया और चट से आएंगी ना तो फिर तुम ये ले जाना नोट। मैंने कहा अच्छा ठीक है, फिर आप ये नोट संभाल लें, फिर मेरी अम्मी जब आएंगी ना तो फिर मैं आपसे ये नोट खरीद लूँ, वापस ले जाएंगी वो। तो फिर वो फौरी कहता अच्छा ठीक है तुम नोट ले जाओ वापस। मैं फिर ले आया, फिर मेरे पास एक और 1,000 का नोट पड़ा हुआ था। मैंने वो 1,000 रुपये का नोट पकड़ा, फिर वो नोट सबसे पहले मैं लेके गया नान चने वाले के पास, जिसके मैंने 90 रुपये पहले के देने थे। मैंने उसके 90 रुपये अदा किए, तो उसने कहा हाँ ये तुम्हारा नोट असली है। तो फिर मैंने उसके 90 रुपये अदा किए, और फिर मैंने उस बिस्किट वाले की दुकान पर गया, फिर मैंने उससे 190 रुपये का बिस्किट लिया, और फिर मैं घर आ गया। मैंने कहा अगर मैं बिस्किट वाले के पास नहीं जाऊंगा तो वो फिर शक करेगा कि वाकई में ये इसके 2 नंबर इसके पास नोट होते हैं या पता नहीं क्या ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक। सारी बात है, लोग तो गलत सोचते हैं, पर वो मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ। पर मैंने फिर मुझे बहुत सी मुझे फिर मुझे पता भी लगा कि वाकई में ये जो पाकिस्तान में बहुत फेक नोट बनना शुरू हो गए हैं अब। फिर हमारे एक रियलिटी भी हैं, उन्होंने उनके भी एक बेटे ना, उनके बेटे ने भी पैसे लिए थे कहीं से ना, तो उस बेचारे के भी 5-5 हज़ार की नकली नोट निकले थे, तो उसके भी नहीं चले, फिर उसको भी फिर वो नोट फाड़ के फेंकने पड़े। इस तरह ही फिर मुझे भी वो 1,000 का नोट। फिर इन दी एंड फिर मेरी अम्मी आई बहरिया ऑर्चर से, मेरी अम्मी गई मेडिकल स्टोर वाले की दुकान से जहाँ से मेरी अम्मी ने ना वो भान लिया था, उससे भी भान लिया उसकी, उसने भी कहीं से मंगवाए थे, तो उसको भी नहीं फिर पता लगा। फिर वो इन दी एंड फिर वो नोट फाड़ के फेंकना पड़ा। तो मेरी आपसे बेसिकली मैंने आपको इस स्टोरी इसलिए बताई है कि जिस तरह अगर वो 1,000 रुपये का नकली नोट मेरे पास आ सकता है, इस तरह वो किसी के पास भी जा सकता है। तो आप जब भी नोट कहीं से भी चेंज लें या कहीं से भी नोट लें, तो उस नोटों को स्पेशली चेक करें कि ये नोट असली हैं कि नकली हैं, और धोखा नहीं खाएं। अच्छा, किसी ऐसे बंदे को चेक करवाएं जिसको नोटों की पहचान हो कि असली नोट कैसा होता है और नकली नोट कैसा होता है, क्योंकि नोट का नहीं, उस नोट का नहीं पता लगता, वो बिल्कुल ऐसे लगते बिल्कुल सेम नोट है, बिल्कुल जैसे कॉपी नोट नोटों की नहीं होती, बिल्कुल सेम, पहचानना ज़रा मुश्किल होता है नोटों को। तो मैंने अपना मैसेज दे दिया है कि आप जब भी किसी से नोट लें तो एहतियात से लें, नोटों को चेक करें अच्छी तरह, और अगर आपको चेक नहीं करना आता तो आप किसी ऐसे बंदे को चेक कराएं जिसको नोटों का पता हो कि असल नोट किस तरह का होता है और नकल नोट की पहचान क्या होती है। ओके फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स का शेयर करें, और अच्छे अच्छे मुझे कमेंट्स दें और अपनी राय दें कि मेरी वीडियोस कैसी होती हैं, अच्छी होती हैं, बुरी होती हैं, या नॉलेज वाली होती हैं, या जैसी भी आपको अच्छी कमेंट देने हैं आप दें। तो प्लीज़ इंशाल्लाह अल्लाह पाक की फजलो करम से मैं ज़रूर कल एक नई वीडियो के साथ मिलूँगा। अल्लाह पाक आपका हर तरह से भला करे इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। आमीन। ओके, खुदा हाफिज़।